जानकारी। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। नागपुर श्रीराम अर्बन बोखलाए निवेशकों ने मैनेजर पर किया हमला। नागपुर व्हाइट हाउस में बिल्डिंग में चल रहा है सेक्स रैकेट पर किया छापा। नागपुर के बिल्डर के घर से आईईडी का छापा, कई दस्तावेज जब्त। अब खबरें विस्तार से। नागपुर करोड़ों की हेरा फेरी को लेकर चर्चा में आई जय श्रीराम अर्बन क्रेडिट को क्रेडिट क्रो ऑपरेटिव सोसाइटी की महिला मैनेजर के सात निवेशकों ने थाने के सामने ही मारपीट की। इस वजह से कुछ समय के लिए थाने के बाहर तनाव का वातावरण निर्माण हो गया। पुलिस ने एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले दो सप्ताह से निवेशक थाने के चक्कर काट रहे हैं। धोखाधड़ी का आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच चुका है, बावजूद इसके पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। निवेशकों में गुस्सा उठा है। जख्मी महिला मैनेजर सुनीता पॉल पहले ही सोसाइटी के संचालक और पदाधिकारियों द्वारा की जा रही हेराफेरी उजागर कर चुकी है। सुनीता का कहना है कि सोसाइटी के अध्यक्ष खेमचंद्र मेहरफुले ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी हेराफेरी की है। निवेशकों में व्यवस्थापक होने के नाते उन पर गुस्सा है, लेकिन वे पहले ही पुलिस कमिश्नर से मिलकर सोसाइटी के अध्यक्ष मेहरकुले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है। नागपुर लकड़गंज पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर जूनी मंगलवारी के मासुरकर चौक के पास स्थित व्हाइट हाउस बिल्डिंग में चल रहे देह व्यापार पर छापा मारा है। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ दो युवतियों को छुड़ाया है। पैसे का लालच देकर महिला युवती से देह व्यापार कराती थी, ग्राहकों की फोटो दिखाकर अपने घर में बुलाकर धंधा चलाती थी। गुप्त जानकारी के अनुसार यह मामला उजागर हुआ है। नागपुर सोमवार देर रात आयकर विभाग आईटीआई विभाग ने धर्मपेट मुख्यमंत्री के घर के पास एक पॉश अपार्टमेंट हार्मनी होम्स में छापा मार कार्यवाही की है। सूत्रों के मुताबिक पेशे से बिल्डर पीडी व्यास के आवास पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जो बुटी बोरी में एक ईट भट्टी के मालिक है। जानकारी के मुताबिक नागपुर शाखा के आईटीआई विभाग को इस बात की सूचना मिली थी कि व्यास के आवास पर भारी मात्रा में धन और कुछ गुप्त दस्तावेज छुपा कर रखे गए है। आईटी के अधिकारियों ने यह भी देखा कि व्यास की आय तो आसमान में वृद्धि हुई है। हाल ही के दिनों में उनका व्यवसाय काफी विकसित हुआ है। इसके आधार पर लगभग 6-7 आईटी अधिकारियों ने जगह का दौरा किया और तलाशी अभियान शुरू किया था। हालांकि कोई नकदी जब्त नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक कई गुप्त दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। फिलहाल इस मामले की जांच अधिकारी कर रहे हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।